आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर को लेकर प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुर्ग प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के विशाल सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी श्रृंखला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रहे। वहीं ब्रह्म कुमारी ईटा बहन एवं अन्य सभी अतिथियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में ताम्रध्वज साहू ने कहा कि एक समय था जब विश्व गुरु था, सारे विश्व का नेतृत्व भारत किया करता था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, जिसका 75 वर्ष पूर्ण हो गया है, जिसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं धार्मिक, सामाजिक और गैर सरकारी संस्थाओं से आह्वान करता हूं कि वह आगे आए और अमृत महोत्सव के संदेश को जन जन तक पहुंचाए। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के लिए समर्पित 7 साल की पहल शामिल है। ब्रह्म कुमारी द्वारा इन पहलों के तहत 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक कार्यक्रम और इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के 53वें स्वर्गारोहण वर्षगांठ के अवसर पर ब्रह्म कुमारी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान से आप सब जुड़े हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये अभियान आपके सामने लाया गया है, इसको मन लगा करके आप स्वीकार करें और इसको अमली जामा पहनाए, लक्ष्य तक पहुंचाने के काम करें, ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। अगर इस काम को हम लोग कर पाए तो आने वाली पीढ़ी हमारी खुशहाल होगी, क्योंकि आज आप देखते हैं आजादी का गलत अर्थ लगा करके लोग कितने ज्यादा घटनाक्रम रोजाना होता है आपके सामने, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, कितनी सारी घटनाएं यहाँ पर रोजाना हो रहा है। ये आजादी का बहुत से लोग आप सही गलत लगा करके कौन हमारे आयोजित किया गया है। वर्ष 2022 में 12 मास तक चलने वाली इस परियोजना में ब्रह्मा कुमारी से 4,000 से अधिक सेवा केंद्र शामिल हैं। 20 ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।